हेलो एवरीवन वेलकम टू दी न्यू वीडियो स्टडी बर्स और मैं हूं अनुभव गुप्ता सर आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हर एमबीए बी के ड्रीम कॉलेज की जो कि है आईएम अहमदाबाद इस कॉलेज को किसी भी इंट्रोडक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि कभी भी कोई बच्चा जब भी अपनी एम की प्रिपरेशन करता है तो उसका ड्रीम कॉलेज होता है कि उसको आई में जाना है और उसमें भी जो सबसे फर्स्ट पोजीशन पे होता है वो आई एम अहमदाबाद में जाना है सो so, आज के वीडियो के अंदर हम कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं इसके एडमिशन प्रोसेस के बारे में एलिजिबिलिटी के बारे में एग्जाम्स एक्सेप्टेड ये कौन से लेता है प्लेसमेंट्स के बारे में फी क्या है सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि सारी की सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके तो चलिए शुरू करते हैं इससे पहले फ्रेंड्स हम स्टार्ट करें आई वुड लाइक टू तो रिक्वेस्ट यू चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना एंड प्लीज़ आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो माई इंस्टाग्राम हैंडल है स्टडी बस अंडर स्कोर एजुकेशन इसके ऊपर हम डेली बेसिस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्टेंट पोस्ट करते हैं और हमारे फेसबुक ग्रुप का नाम है स्टडी बस एंड फ्रेंड्स अगर आप स्टीबस के पेन ड्राइव कोर्स में एनरोल करना चाहते हो तो आपको हमारी वेबसाइट के ऊपर डब्ल्यू डब्ल्यू डब्लू डॉट स्टडी बस डॉट को डॉट इन पर कंप्लीट डिटेल्स आपको मिल जाएगी यहीं जाके आप अपना ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हो एंड हर पेन ड्राइव के साथ मिलता है आपको एक पोर्टल जिसके अंदर आपको ई e बुक्स की फैसिलिटी टॉपिक वाइज टेस्ट सेक्शनल मॉक्स वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट और ये सारे फुल लेंथ मॉक्स भी मिलते हैं अगर इसके रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो जो कि है डबल नाइन फाइव एट नाइन थ्री डबल तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें आई एम अहमदाबाद की सो आई एम अहमदाबाद मोस्ट प्रिस्टीजियस अगर इंडिया के एम बी ए कॉलेज की लिस्ट बनाई जाए तो डेफिनेटली उनमें टॉप पोजिशन के अंदर आई एम अहमदाबाद का नाम आएगा आई एम अहमदाबाद कंसिस्टेंटली रैंक किया गया एज दी प्रीमियर मैनेजमेंट स्कूल कंट्री बाय वेरियस नेशनल एजेंसीज बहुत सारी एजेंसीज़ के अंदर टॉप पोजीशन जब रेटिंग्स आती हैं तो आई एम अहमदाबाद को टॉप पोजीशन दी जाती है एंड आई एम अहमदाबाद एक ड्रीम कॉलेज होता है सिंस ये एक ड्रीम कॉलेज है तो डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्पिटिशन भी देखने के लिए मिलता है तो कैसे है इसका एडमिशन प्रोसेस वो सारी की सारी पार्ट को सारी की सारी चीजों को हम आगे डिस्कस करने वाले हैं अगर फ्रेंड हम बात करें इंपॉर्टेंट प्रोग्राम की तो जो इसका फ्लैगशिप प्रोग्राम है वो है इनका एम का प्रोग्राम जिसको मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन भी कहते हैं या उसको पीजीपी भी कहते हैं इनकी वेबसाइट के ऊपर आपको कई जगह पीजीपी भी देखने के लिए मिलेगा और भी इनके कई सारे प्रोग्राम्स हैं इनके बारे में अगर आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन है तो आपको आई अहमदाबाद की वेबसाइट पर मिल जाएगी फॉर एग्जाम्पल फूड एंड एग्री बिजनेस मैनेजमेंट या पीजीपी फॉर एग्जीक्यूटिव जिसको हम एग्जीक्यूटिव एम कहते हैं जिसके लिए मिनिमम फोर ईयर्स का वर्क एक्स चाहिए या ई पीजीपी ई क्या है

जो बच्चे फाइनल ईयर के अंदर है अपनी बैचलर्स डिग्री के अंदर या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन के अंदर है वो भी एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए उनका जो एडमिशन होता है वो प्रोविजनल होता है एक बार जब आपका बैचलर्स का रिजल्ट आ जाता है तो आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है इसके अलावा यहाँ पे एडमिशन सिर्फ कैट एग्जाम से होता है और आपको आई एम अहमदाबाद का कोई भी सेपरेट फॉर्म नहीं भरना होता जब आप कैट का फॉर्म भर रहे होते हो और वहां पे जब आप आई एम अहमदाबाद को सिलेक्ट कर देते हो तो आप ऑटोमेटिकली आई एम अहमदाबाद के लिए एलिजिबल हो जाते हो इसके लिए आपको कोई भी सेपरेट फॉर्म नहीं भरना कोई भी सेपरेट फी नहीं पे करनी अगर फ्रेंड्स हम सीट मैट्रिक्स के बारे में बात करें तो सीट मैट्रिक्स जो रफली रफली इनका जो टोटल बैच है वो अराउंड 385 हंड्रेड एंड एटी फाइव स्टूडेंट्स का होता है सब्जेक्ट टू परमिशन मिल जाती है तो बैच बड़ा भी हो सकता है जिसके अंदर जनरल की अराउंड है, 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 है क्योंकि इंस्टीट्यूट की डिस्क्रिशन है वो सीट्स को बढ़ा भी सकता है प्रोवाइडेड उसको अप्रूवल मिल जाए तो, तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि वर्क एक्सपीरियंस बच्चों का सेक्टर वाइज कैसे था तो आप देख सकते हो 15 परसेंट बच्चे फिनेंस से थे उसके बाद से 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 पब्लिक सेक्टर से थे अगर हम बात करें कितने कितने वर्क एक्स वाले बच्चों को इन्होंने सिलेक्ट किया है तो चाहे आप फ्रेश ग्रेजुएट हो चाहे आपका एक साल का वर्क एक्स है दो साल का तीन साल का या तीन साल प्लस का वर्क एक्स है सबको इन्होंने चूज किया है तो आपका वर्क एक्सपीरियंस किसी भी तरीके से हिंड्रेंस नहीं बनेगा चाहे आपका वर्क एक्स है या नहीं है आपके पास अच्छे चांसेस हैं इस कॉलेज में सिलेक्ट होने के अगर फ्रेंड्स हम एडमिशन प्रोसीजर के बारे में बात करें तो एडमिशन प्रोसीजर इसका क्या है कि कैंडिडेट्स को सबसे पहले सिलेक्ट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कैट स्कोर जिन्होंने आई अहमदाबाद के अंदर कि अप्लाई am किया होता है यानी कि जिन्होंने कैट फॉर्म के अंदर आई अहमदाबाद को सिलेक्ट किया होता है इसके अलावा ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं टेंथ का ट्वेल्थ का ग्रेजुएशन के स्कोर्स का और बाकी सारी चीजों का भी उसके बाद नेक्स्ट राउंड में बच्चों को बुलाया जाता है ए डब्ल्यू टी के लिए जिसको हम वैट भी कहते हैं एनालिटिकल राइटिंग टेस्ट या दूसरा जो होता है अपना वो है पर्सनल इंटरव्यू तो यानी कि ए डब्ल्यू टी एन के लिए बुलाया जाता है सेकेंड राउंड के अंदर अपने पास दो स्टेजेस होते हैं स्टेज वन के अंदर क्या होता है कि एप्लीकेंट्स का एक पूल होता है जिसके अंदर से एक्सेप्शनल परफॉर्मर्स को चूज किया जाता है जो कि डिफरेंट डिसिप्लिन से होते हैं और स्टेज टू क्या होता है कि जब वो रिमूव कर देते हैं कैंडिडेट्स को स्टेज वन से और इनके पास ये एक्सेप्शनल परफॉर्मर्स आ जाते हैं सो so उनको उनको सिलेक्ट किया जाता है और उनका क्या करते हैं एक ये कॉम्पोजिट स्कोर निकालते हैं स्कोर कैसे निकालते हैं वो भी मैं अभी आपको सेपरेटली फॉर ईच कैटेगरी जनरल की अलग होगी एस सी एस टी एनसीबीसी पीडब्ल्यू डी की सबकी अलग अलग होगी ऑन दी बेसिस ऑफ फाइनलिट स्कोर तो फाइनल कॉम्पोजिट स्कोर तक कैसे पहुंचा जाता है उसके लिए हमें कुछ टेबल्स देखने की जरूरत है सबसे पहले अगर मिनिमम कैट परसेंटाइल के बारे में बात करें तो मिनिमम कैट परसेंटाइल कैटेगरी वाइज आपकी स्क्रीन के सामने है मैं फिर आपको बता दूं ये मिनिमम स्कोर है ये एक्चुअल कट ऑफ नहीं है यानी कि आपको एक्चुअल कट ऑफ भी क्लियर करनी है एंड मिनिमम कट ऑफ भी क्लियर करनी है अगर किसी बच्चे की एक्चुअल कट ऑफ क्लियर हो जाती है या सेक्शनल वाइज उसकी मिनिमम क्लियर नहीं होती तो उसको कॉल नहीं आएगा तो आप देख सकते हो जनरल के लिए 70, 70, 70, 80 है एनसीओबीसी कम ट्रांसजेंडर्स के लिए सेवेंटी फाइव है एस सी के लिए सेवेंटी है एस टी के लिए सिक्सटी है कितनी वेटेज देंगे तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो कि क्लास के मार्क्स अगर आपके 90 से ज्यादा है तो आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे 80 से 90 के बीच में है, तो 8 पॉइंट्स मिलेंगे 70 से 80 के में है, तो 5 मिलेंगे इसी तरीके से अगर हम ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के बारे में बात करें तो ट्वेल्थ स्टैंडर्ड को तीन स्ट्रीम्स में डिवाइड किया गया है, अगर कोई साइंस स्ट्रीम से है तो 90 से ज्यादा है तो 10 मार्क्स मिलेंगे 80 से 90 के बीच में तो 8 मार्क्स मिलेंगे उसी तरह कॉमर्स स्ट्रीम से भी आप देख सकते हो 90 से ज्यादा है तो 10 मार्क्स मिलेंगे और अगर आर्ट्स या ह्यूमैनिटी स्ट्रीम से है तो 85 से ज्यादा है तो 10 मार्क्स मिलेंगे सेवेंटी से एटी के बीच में है, तो एट मार्क्स मिलेंगे सिक्सटी से सेवेंटी के बीच में फाइव मार्क्स मिलेंगे उसके बाद अगर हम बात करें कि बैचलर्स डिग्री को ये कितने मार्क्स देने वाले हैं ये डिपेंड करता है कि आपकी बैचलर्स डिग्री कौन सी है फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ए सी वन के बारे में बात करूं तो इसमें कोर्सेज आते हैं एम बी बी एस एम डी बी डी एस बी एच एम एस बी एम एस आयुर्वेदा या होम्योपैथी जिसको हम कहते हैं उसके बाद एसी टू के बारे में अगर बात करूं तो अगर कोई बच्चा है सी ए सी एस या आईसी डब्ल्यू ए तो उसके मार्क्स इस तरीके से कैलकुलेट होंगे अगर कोई बच्चा है बीबीए बीबीई बीबीएम बीबीएस बीएचएम बीएफएम या Com, यानि कि हम सिंपली कॉमर्स स्ट्रीम जिसको कहते हैं उसके मार्क्स एसी थ्री में इस तरीके से कंप्यूट होंगे तो मिलेंगे, तो मिलेंगे, तो मिलेंगे उसके बाद अगर एसी फोर एंड एसी सिक्स के बारे में बात करें तो यानी कि कोई अगर आर्किटेक्ट है इंजीनियर है या एम टेक है तो उनके मार्क्स आप देख सकते हो कि एटी फाइव से ज्यादा है तो टेन मार्क्स मिलेंगे, तो मिलेंगे और कोई भी जो डिग्री बचती है फॉर एग्जाम्पल जैसे एसी फाइव के अंदर आर्ट्स ह्यूमैनिटीज डिजाइन एजुकेशन फैशन टेक्नोलॉजी लॉ एंड रूरल स्टडीज से कोई है तो अगर उसके 75 से से ज्यादा है 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 तो 10 मिलेंगे, 65 से 75 है, तो मार्क्स मार्क्स मिलेंगे मिलेंगे बाकी सारा डेटा आपकी स्क्रीन के सामने है। अगर फ्रेंड्स हम बात करें कि वर्क एक्स को किस तरीके से ये स्कोर देने वाले हैं तो अगर आपका लेस देन ट्वेल्व मंथ्स का वर्क एक्स है तो उसको जीरो स्कोर मिलेगा अगर ट्वेल्व मंथ से थर्टी सिक्स मंथ के बीच में है तो ये एक एमएफ नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ मंथ्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस माइनस 11 और अगर 36 मंथ से ज्यादा है तो उसको 5 मार्क्स देंगे वर्क एक्सपीरियंस मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है 0.2 अब क्या होगा जब ये सारी चीजें हम कैलकुलेट कर लेंगे तो एप्लीकेशन रेटिंग स्कोर मिलेगा जिसको हम एआर कहते हैं जो कि चार टेबल से कैलकुलेट करके आएगा जो कि मैंने अभी आपको बताया था उसके बाद

यानी कि मल्टीप्लीकेशन फैक्टर फॉर फाइनल स्कोर इसको ये मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ नॉर्मलाइज कैच स्कोर के साथ एंड लास्ट में एआरएफ को और एफसीएस को ये मल्टीप्लाई करेंगे एआर से और उसको वेटेज दी गई है 0.15 और कॉम्पोजिट स्कोर को दी गई थी 0.25 इसके बाद एक स्कोर आएगा जिसके बेसिस पे बच्चों को एडमिशन

उसको पे ऑफ करना होता है अगर मैं कट ऑफ के बारे में बात करूं तो फ्रेंड्स आई एम अहमदाबाद की कोई डेफिनेट कट ऑफ नहीं है आप जितनी डाइवर्स फील्ड से आ रहे हो आपकी कट ऑफ उतनी कम होगी और आप जितनी कॉम्पिटेटिव फील्ड से जा रहे हो उतनी ही कट ऑफ आपकी हाई होगी अगर फ्रेंड्स हम दो साल लगाने वाले हैं हम आई अहमदाबाद को अगर कन्वर्ट कर लेते हैं हम 25 लाख रुपी स्पेंड करने वाले हैं तो हमारी प्लेसमेंट्स कितने की लग सकती हैं तो एक डेटा आपकी स्क्रीन के सामने है कि आप देख सकते हो 2021 की जो इनकी प्लेसमेंट्स हुई हैं जो एवरेज सीटीसी था वो 27.54 लाख रुपीज पर एन था जो मीडियम सी था वो ट्वेंटी लाख रुपीज का था जो हाइएस्ट डोमेस्टिक सी था वो फिफ्टी फाइव का था और हाईएस्ट इंटरनेशनल सीटीसी 1.54 लाख डॉलर का था यानी कि एक करोड़ रुपए से भी ज्यादा का हाईएस्ट इंटरनेशनल सीटीसी देखने के लिए मिला था 131 फर्म्स ने पार्टिसिपेट किया था 170 डिफरेंट रोल्स के लिए उन्होंने प्लेसमेंट बच्चों की करवाई थी तो यानी कि ड्रीम कॉलेज हमें ड्रीम प्लेसमेंट भी प्रोवाइड करता है एंड ये आपकी फर्स्ट जॉब होने वाली है अगर आपकी फर्स्ट जॉब ही थर्टी लैक्स की होने वाली है तो इन फ्यूचर जब आपके इंक्रीमेंट होगा तो वो भी प्रोपोर्शनेटली काफी बढ़ेगा तो यानी कि आपका जो करियर है बहुत अच्छे तरीके से स्टेबल हो जाएगा सेटल हो जाएगा और बहुत ही ज्यादा ग्रोथ ओरिएंटेड हो जाएगा तो फ्रेंड्स ये सब कुछ था आई एम अहमदाबाद के बारे में तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक जरूर करना ताकि ऐसी वीडियोस हम फ्यूचर में आपके साथ और भी शेयर कर सके आपका कोई भी सजेशन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर भी मेंशन कर सकते हो प्लीज हमारे साथ इंस्टाग्राम पर जरूर कनेक्ट हो जाना अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप या ई भी कर सकते हो सो थैंक्स लॉट फ्रेंड्स ऑल द बेस्ट गॉड ब्लेस यू